ये जो लाइबा है ना हमारी, इसको हल्की चीज पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी ही जरा सी माला है इसमें। किसी भी दुकान में जाती है, जो सबसे महंगी चीज होती है वही पसंद आती है, उसी पर हाथ रखती है। मैंने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया और फायदे क्या किया? बजाय बासपुस करने के उसे लेकर आउटिंग पर चला गया। अब वो कोई ना कोई रास्ता गढ़ेगी और उसे बहुत पेन कर देगी। अरे मैं एक बात बताऊं सर, सच वो 5 लाख रुपए तुमने रूफी को क्यों दिए? उसको पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने बताने से मना किया, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। 5 लाख रुपए रहता है तुम्हारी तरफ, वो तो मिलेगा ना? तुम इतने बड़े बड़े मॉल्स में इतनी ऊंची ऊंची दुकानों से शॉपिंग करो, तो बेचारी हुस्ना का क्या कसूर है? वो भी इन पैसों से अपनी सादगी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेगी। तो शेर फैमिली को सवाब ही होगा ना। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपकी मोहब्बत में मैंने खुद को बदल दिया है। तुमने कहा था कि सुल्तान आप जैसे भी हैं मुझे वैसे ही कबूल है, तुम्हें कबूल करो ना। कोशिश कर तो रही हूँ आपके मिजाज में पूरी तरह ढलने की। बार बार मेरे मिजाज का जिक्र क्यों करती हो? मुझे ऐसे फील करवाती हो कि जैसे मैं कोई बहुत ही जालिम शख्स हूँ। डोंट ट्राई टू टीच मी, करेक्ट? गजरे की नहीं पहन ली? आपका क्या भरोसा बाद में आप कहें कि ये गजरे तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए लाया था? तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत बाकी है या बोझ बन गई है? मोहब्बत कभी बोझ नहीं बनती, इसके लिए तो नंगे पैर कांटों पर भी चलना पड़ता है। पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। सुल्तान ये सब क्या है? मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर ना करे। स्माइल करो थोड़ा। अब तक तो बात समझ आ गई होगी कि शौहर के आगे कितना और कब बोलना है। मुसरत आंटी ताया जान की दूसरी बीवी हैं। बकवास नहीं करना मुझसे। इद्रिस मेरे सेवा किसी और के नहीं। वो चाहता है कि मैं उसकी अम्मी अब्बू से माफी मांगूं। ये करना मेरी इंसल्ट होगी अम्मी। तो तुम्हें कोई मजबूर भी नहीं कर सकता रोज। तुम मेरी बेटी हो और अभी मैं जिंदा हूं। शायस्ता मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या बात है? उरूज ने मुझे तुम्हारी नजरों में बल्कि अपनी नजरों में गिरा दिया है। सच? देखो ये फाइल, पढ़ो इसे, पढ़ो। क्या ये? मुसरत आंटी जिस घर में रहती हूँ मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, और ताया जान दूसरी शादी के जो खर्चे चोरी कर रहे हैं ऑफिस से, वो ऑफिस के खर्चे पे पल रहे हैं। कह दो कि सब कुछ झूठ है, सब गलत है, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? बोलो रोज। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये लॉकेट मत पहनो। क्यों पहनो? तुमने बहुत चाहत से लिया था और तुम्हारी चाहत मेरी चाहत, इसे मैं नहीं उतारूंगी। मेरे सोने के बावजूद भी तुम यहां से भाग नहीं सकते। गलत फहमी है तुम्हारी। जो उड़ान भरने का फैसला कर ले फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उड़ने से रोक नहीं सकती।
कहा जा रही, मैं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अल्लाह। साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। बस बच्चा है हमारा, अपना आप दिखाई देता है उसमें, अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया प्रमीर को मार के। अब उनका बारी। हमारा पामीर का रूपे सुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू खुशबू लगा के, तो फिर ये तो मौत है और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना।